हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. आई एम हिमांशु बंसल. आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का टॉपिक 2, जिसका नाम है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर. कि किसी भी रैशनल नंबर की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है, ये मैं आपको पहले वाली मेरी वीडियोस में पढ़ा चुका हूँ. फिर मैं आपको दोबारा पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज का कंसेप्ट है. हमारा कंसेप्ट क्या है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन. ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन दो टाइप का होता है, जो आपको पता है पहले से ही. पहला कौन सा होता है बेटा, टर्मिनेटिंग. दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. बेटा इसको पता करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं. फर्स्ट मेथड है हमारा लॉन्ग डिवीज़न, जिसके अंदर हमें उसको डिवाइड करके देखना पड़ता है कि वो हमारा डिवाइड करने पे ख़त्म हो रहा है या नहीं हो रहा. ख़त्म नहीं होगा तो वो अपने आप को क्या करेगा, रिपीट होगा, क्या था दोहराना, वो डेसिमल अपने आप को दोहराएगा. दूसरा तरीका है लॉन्ग डिवीज़न के अलावा, उसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन. कि हमें क्या करना पड़ता है कि हमारा, कि जैसे कि हमारे को नंबर लिखा हुआ है 3/21, हमको क्या करना पड़ता है, पहले हम इस नंबर को करते हैं शॉर्टेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट. जैसे 3 × 3 = 3, 3 × 7 = 21, हमारा आंसर क्या आ गया 1/7. काटने पीटने के बाद जो भी नंबर आए उस नंबर को अगर हम बोलते हैं वो पी वाई क्यू की फॉर्म में है, तो हम नीचे वाले की करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन. डिनोमिनेटर की हम करेंगे पीएफ. पीएफ करने के बाद अगर हमारा पीएफ के अंदर 2 आ जाए या 5 आ जाए या दोनों आ जाए, तो हमारा आंसर क्या होता है, टर्मिनेटिंग. और अगर इन 2 या 5 के अलावा कोई भी एनी अदर नंबर आ जाए, ये आए या ना आए नो मैटर, कोई अगर कोई अदर नंबर आ गया दैट मीन्स हमारा आंसर क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. तो ये हमारा बेटा ऐसा कंसेप्ट है जो कि हम एग्जांपल्स के थ्रू हम आज डील करेंगे. तो पहले मैं आपको इन दोनों की डेफिनेशंस पढ़ाता हूँ, डेफिनेशन आपको कैसे लिखनी है, कॉपी के अंदर आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, उसके बाद हम एग्जांपल्स के थ्रू इन दोनों को पढ़ेंगे. ओके बेटा, सो जस्ट वी आर स्टार्टिंग. ओके, जस्ट फोकस. डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं. द रैशनल नंबर्स विद अ फाइनाइट डेसिमल पार्ट. फाइनाइट डेसिमल पार्ट का मतलब क्या बेटा, उसका जो डेसिमल है, जैसे अगर मैं करूँ 1/2 इज 0.5, जैसे जो डेसिमल है ये फाइनाइट का मतलब क्या है, इसको हम गिन पा रहे हैं. मतलब उसके अंदर कितने डिजिट्स हैं, इट कंटेन ओनली 1 डिजिट, इसमें सिर्फ एक डिजिट है. दैट मीन्स वो हमको ये समझाना चाह रहे हैं. और फॉर विच द लॉन्ग डिवीजन टर्मिनेट्स आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स. मतलब क्या है कि अगर हम इसको डिवाइड करें, डिवाइड हम कैसे करेंगे बेटा, 2 को डिवाइड किया 1 से, डेसिमल 0, 2 × 5 = 10. मतलब हमारा जो लॉन्ग डिवीजन था वो एक स्टेप के बाद ख़त्म हो गया. एक स्टेप का नंबर क्या है, 1 इज व्हाट, फाइनाइट, हम 1 को गिन सकते हैं. मतलब अगर हमारा लॉन्ग डिवीजन के अंदर फाइनाइट स्टेप्स हों या हमारी ज़्यादा बड़ी चेन ना हो, पर हम अपने डिजिट्स को काउंट कर सकें, उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. कोटेड जैसे एग्जांपल के तौर पे 7/8 को अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो ये आता है, 13/35/16 को कन्वर्ट करते हैं तो ये आता है. डेट मीन्स ये टर्मिनेट कर रहा है 3 डिजिट्स के बाद, ये टर्मिनेट कर रहा है 4 डिजिट्स के बाद. मीन्स इसके अंदर 3 स्टेप्स होंगे और इसके अंदर 4 स्टेप्स होंगे. कोटेड सेकेंड पार्ट, द रैशनल नंबर्स इन विच द डेसिमल पार्ट डज नॉट कम टू एंड. मतलब जिसके अंदर हमारा लॉन्ग डिवीजन चलता जाए, रिपीट करे, ख़त्म ना हो, तो उसको हम उसको क्या बोलते हैं, बट इट रिपीट्स इटसेल्फ. वो कुछ अपने आप को क्या करे, रिपीट करे आफ्टर पर्टिकुलर डिजिट्स, कुछ डिजिट्स बाद अपने आपको रिपीट करे या वही स्टेप्स बार बार क्या हो जाए, रिपीट होने लग जाए, कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स. उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स. ओके, जैसे कि 8/3 को अगर डिवाइड करते हैं तो 2.666 आता है. मीन्स ये 6 कभी भी ख़त्म नहीं होगा, तो हम इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2.6 के ऊपर बार. नेक्स्ट 2/11 को अगर कन्वर्ट करते हैं तो ये आता है 0.18818. तो फिर से हम इसको कैसे ले सकते हैं, 0.18 और 18 के ऊपर बार. दैट मीन्स हमारा कौन रिपीट कर रहा है, 1818, यहाँ पर कौन रिपीट कर रहा है, हमारा 6 रिपीट कर रहा है. ओके, दैट्स वाई इट इज, दिस इज नोन एज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. क्लियर. तो बेटा आपको ये क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन को हम रीड करते हैं. राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से दैट व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज हैज. मतलब हमको क्या करना है, वो दिए गए क्वेश्चंस को
डेसिमल में चेंज करना है बाय लॉन्ग डिवीजन, और उसके बाद हमें ये बताना है कि आइदर वो टर्मिनेटिंग होगा या वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो वो हमें डिवाइड करने के बाद पता चलेगा। तो मैंने आपके लिए दो तीन क्वेश्चन सोल्व कर रखे हैं, उसके बाद बाकी आपको खुद प्रैक्टिस करने हैं, अपनी फेयर कॉपी के अंदर आपको उसको डिवाइड करके देखना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो जस्ट फोकस सोल्ड एग्जाम्पल्स हमने देखो, चेक करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या था हमारा, 36/100। हम 36/100 को बेटा क्या किया, डिवाइड किया, हमारा क्या है 0.36। डेट मीन्स हमारा ये क्या कर रहा है, 6 के ऊपर कर रहा है टर्मिनेट। डेट मीन्स ये क्या हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सेकंडली हमारा क्या 1/11 डिवाइड किया हमारा ये आया। डिवाइड देखो मैंने आपको शो कर रखा, आपको ऐसे करना है। हमारा भी चलते 0.0909 आ रहा है। डेट मीन्स 09 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इसको हमने चेंज किया इस रेशनल नंबर को, हमारा ये आंसर है। डेट मीन्स हमारा क्या कर रहा है, टर्मिनेट कर रहा है। डिवीजन आपको मैंने शो कर रखा है। तो इसी तरह है, आपको सभी का लॉन्ग डिवीजन शो करना है ऑफ ऑल दिस स्टेप, ऑफ ऑल दिस पार्ट्स। गॉट इट? सो मैंने सेकंड कंसेप्ट इज व्हाट, अगर हमें लॉन्ग डिवीजन ना करना हो, हम इतना सारा लॉन्ग डिवीजन ना करना चाहें, हाँ हम बिना लॉन्ग डिवीजन के ये चेक करना चाहते हैं कि हमारा डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा। तो मैंने आपको पहले समझा दिया था, आपको मैंने स्टेप्स लिखवा के, स्टेप्स मैं आपको रीड करके समझा रहा हूँ। कट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सम कॉमन फैक्टर। मतलब क्या है, अगर हमारा डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर किसी नंबर से कट आउट होता है, जैसे अगर मैं बात करूं 2/12, 3/12, 4/12, ये सारे नंबर आपस में कट रहे हैं। कैसे, 2 1 2, 2 6 12, 3 1 3, 3 4 12, 4 1 4, 4 3 12। मीन्स यहाँ से क्या बचा, 1/6, 1/4, 1/3। अब हमें क्या करना है, जो नंबर कट के आया उस नंबर में नीचे वाले की हमें करनी है PF, डू प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर न्यू ऑब्टेंड। मीन्स जो नया हमारा बन के आया डिनोमिनेटर, उसके में क्या करनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन आफ्टर स्टेप वन, आफ्टर स्टेप वन परफॉर्म करने के बाद। और अगर हमारी PF के अंदर 2 आ जाए या 5 आ जाए या दोनों आ जाए, तो मान से क्या आएगा, टर्मिनेटिंग। और अगर बेसिक हम चेक करें, हैव एनी अदर डिजिट, कोई और डिजिट आए 2 या 5 के अलावा, 2 या 5 आता हो या ना आता हो कोई मैटर नहीं करता है, अगर कोई अदर डिजिट आ गया तो वहाँ से क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। जो हमने पार्ट अभी अभी ऊपर किए थे बेटा, मैं उन्हीं को वेरीफाई करके दिखा रहा हूँ आपको। 36/100 फर्स्ट पार्ट ये कट आउट हो रहा है, 4 9 36, 25 4 100, तो ये कट के कितना आ गया, 9/25। हमने नीचे वाले की PF की 5 5, डेट मीन्स हमारा ओनली 5 आ रहा है, ये क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा। गोट इट? सेकेंड पार्ट 1/11, हमने 11 की PF करी, 11 11, तो हमारे 2 और 5 के अलावा कोई अदर डिजिट आ रहा है, डेट मीन्स हमारे से क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। वो देखो हमारा जस्टिफाई हो रहा है, वो हमारा बिना लॉन्ग डिवीजन की हम उसको आंसर लिख पा रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट 3 to 9/400, ये किसी से कट आउट नहीं हो रहा, हमने इसकी PF करी, नीचे वाले की PF के अंदर सिर्फ क्या आया, 2/5, डेट मीन्स हमारा आंसर क्या आएगा, टर्मिनेटिंग आएगा। आपको क्या करना है, इसी तरीके से ये सभी पार्ट्स कंसेप्ट 1 से भी करने हैं, और ये सभी पार्ट्स आपको कंसेप्ट 2 से भी करने हैं इन योर फेयर नोटबुक। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो यू विल गेट द आंसर्स, इन द नेक्स्ट वीडियो यू विल मैच वेदर योर क्वेश्चंस आर करेक्ट और रॉन्ग। गॉट इट? थैंक यू।